मेरे भाई वो कोई SBI या PNB में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने जा रहे हैं जो आधार कार्ड लेकर पहुंच गए और वहां जाकर पता हुआ पैन कार्ड तो लाए नहीं, फिर बैंक ने वापस भेज दिया। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है? तो PUBG मोबाइल इंडिया की रिलीज और इससे गवर्नमेंट से मिलने वाले फाइनल अप्रूवल के ऊपर आपने लास्ट वीडियो में मुझसे कॉमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछे। शायद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने PUBG इंडिया को अप्रूवल देने से मना कर दिया है, या फिर इस अप्रूवल की जो एक्चुअल प्रोसेस रहने वाली है इसी से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स फिलहाल YouTube पर फैलाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं ताकि हमारे कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो मेरे भाई पॉइंट नंबर वन, आपको इस टॉपिक के ऊपर जो भी खबर पता चलिए सबसे पहले तो आप उसे अपने दिमाग से निकाल दो, और वो इसलिए क्योंकि पॉइंट नंबर टू ये है कि सबसे पहले ये खबर जिस वेबसाइट पर पोस्ट हुई थी, बाकी सारी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर ये खबर रीपोस्ट हुई है उन्होंने इस वेबसाइट को ही अपना सोर्स माना है। इसलिए हो सकता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इस न्यूज को रीपोस्ट करने के साथ साथ उसमें अपनी साइड से भी कुछ मिर्च मसाला लगा दिया हो। तो पॉइंट नंबर थ्री ये है कि चलो मान लेते हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में ऐसी कोई अननोन सीक्रेट सोर्स है जिनके थ्रू उनके पास ऐसी कोई खबर निकल कर आई है। सो ये एक्चुअल न्यूज आखिर है क्या, पहले ये तो देख लिया जाए। एक्चुअल न्यूज ये है कि नो परमिशन टू PUBG टू ऑपरेट इन इंडिया एज येट, और येट का मतलब है फिलहाल, यानी कि ये खबर जब निकल कर आई थी उस वक्त तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है। तो हमारा पहला कंफ्यूजन तो यही क्लियर हो गया, क्योंकि अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि PUBG इंडिया का अप्रूवल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने रिजेक्ट कर दिया है, जो कि गलत है। अब पॉइंट नंबर फोर भी पॉइंट नंबर थ्री के ही जैसा एक और स्टेटमेंट है, और वो ये है कि एनी बैंड एंटिटी कांट ऑपरेट जस्ट बाय फ्लोटिंग न्यू कंपनी, देल हैव टू गेट परमिशंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू ऑपरेट वंस अगेन इन इंडिया। मतलब इंडिया में अगर कोई ऐप बैन हो गई है तो उसे सिर्फ एक नई कंपनी बना लेने से इंडिया के अंदर ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर TikTok या फिर जो बाकी एप्स है वो भी अपना नाम बदलकर इंडिया में ऑपरेट करना शुरू हो जाती। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अभी तक 2020 में 200 से भी ऊपर एप्स को बैन कर चुकी है? और हैरानी की बात ये है कि ये जितनी भी एप्स अब तक इंडिया में बैन हुई है इस साल, ये एक ही बार में बैन नहीं हो गई, इन्हें तीन बार में बैन किया गया है। सबसे पहले जून में 59 एप्स बैन हुई, उसके बाद सितंबर में 118 एप्स बैन हुई जिनके अंदर PUBG का नाम भी था, और फिर उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले 43 एप्स और बैन हो गई हैं। तो क्या आप ये जानते हो कि बाद में जो एप्स बैन हुई उनमें से कुछ एप्स ऐसी भी थी जो कि पहले बैन हुई एप्स का अल्टरनेटिव थी, यानी कि सिर्फ नाम बदलकर ऑपरेट करना शुरू हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो आम नागरिक हैं, अगर हमें ये पहले से ही पता है कि जब PUBG मोबाइल सितंबर में बैन हुआ था तो कुछ अल्टरनेटिव एप्स भी बैन हो गई थी जो कि बिना परमिशन लिए दोबारा ऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी, तो क्या वो खबर PUBG मोबाइल वालों को नहीं पता होगी? और तो और कॉर्पोरेट सेक्टर में हर कंपनी के अपने कॉर्पोरेट लॉयर्स भी होते हैं। मेरे भाई जिस PUBG मोबाइल गेम का एक साल का रेवेन्यू ही $1.3 बिलियन है, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए, वो गेम हर साल 4-5 करोड़ रुपए अपने लॉयर्स के ऊपर नहीं खर्च करता होगा क्या? अगर PUBG मोबाइल के इंडिया में बैन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जिस सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंडर इन एप्स को बैन किया है उसके बारे में हम जानते हैं, तो क्या PUBG के जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते होंगे जो अपनी सिर्फ एक हीरिंग के 10 लाख से 25 लाख तक फी ले लेते हैं, वो नहीं जानते होंगे इन सारे लॉज और एक्ट्स के बारे में? सो अपेरेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की जिस सोर्स से ये न्यूज आई है ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आई है, और इसका PUBG मोबाइल इंडिया की एक्चुअल प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग उनकी सोर्स ने सिर्फ इतना कहा है कि उस वक्त तक PUBG मोबाइल इंडिया का डॉक्यूमेंटेशन उनके पास तक नहीं पहुंचा, एंड इसीलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके अप्रूवल के लिए PUBG मोबाइल इंडिया की टीम को जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास लेकर जाने हो वो अभी तक अंडर प्रोसेस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में अपना एक नया आधार कार्ड भी बनवाने जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मेंशन्ड है कि 90 डेज मैक्सिमम तक लग सकते हैं आधार कार्ड बनने में। तो PUBG मोबाइल इंडिया तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अभी 21 नवंबर को ही इंडिया में रजिस्टर हुई है। मेरे भाई वो कोई SBI या PNB में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने जा रहे हैं जो आधार कार्ड लेकर पहुंच गए और वहां जाकर पता हुआ पैन कार्ड तो लाए नहीं, फिर बैंक ने वापस भेज दिया। उनके लॉयर्स को ये पहले ही पता होगा कि एक ही बार में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से अप्रूवल मिल जाए इसके लिए क्या क्या चीजें रेडी रखनी है। सो वैसे तो मैंने आपको ये पहले ही वीडियोस में बता दिया है कि वो ऐसे कौन से फीचर्स थे जिनकी वजह से इंडिया में ऐप बैन हुई थी और उन फीचर्स के अंदर अब क्या चेंजेस हो गए हैं ताकि इस ऐप को अप्रूवल मिल जाए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा PUBG मोबाइल इंडिया वर्सेस PUBG मोबाइल ग्लोबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए उसका भी लिंक यहां पर डाल दूंगा। आई होप आपके लास्ट वीडियो में पूछे गए लगभग सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे पाया हूं, लेकिन अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए तो आप मुझे उनके बारे में कमेंट्स में बताओ। मैं चलता हूं और लेकर आता हूं आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।